नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि अक्सर कई लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वो देख कहीं और रहे होते हैं और उनकी आंखें किसी और तरफ घूम जाती है और ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज के एपिसोड में जानेंगे जो टेढ़ा देखने की समस्या है वो क्या है, इससे निदान कैसे मिलेगा। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, टेढ़ा देखने की समस्या काफ़ी आम है, ऐसे में मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि समस्या होती कैसे है और इसका उपाय क्या है। देखिए, आँखों का टेढ़ापन को हम लोग कहते हैं हिंदी में भेंगापन या इंग्लिश में कहते हैं स्क्विंट। ये एक कॉमन समस्या है, खासकर यंगर एज ग्रुप में समस्या है। कभी कभी तो ये बहुत दिक्कत यंगर एज ग्रुप को नहीं करती है, लेकिन कॉस्मेटिकली टेढ़ा लगता है तो उसे देखने में दिक्कत होती है, वो उपचार कराने आते हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशन में इसको वो दिक्कत होती है। तो इसमें जो इसको कहते हैं स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट का, ये ऐसे तो न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, आँखों में चोट लग के आँख के नर्व को प्रभावित होने पर हो सकता है। वो जो अचानक होगा उसमें दो दो दिखाई देंगे और साथ में आप जैसे जिस नर्व का है, मैं जान सकते हैं जैसे लेटरल रेक्टस का होगा तो सिक्स नर्व का होगा लेटरल रेक्टस में होगा तो लेटरल LRC से, और बाकी अन्य में थर्ड नर्व का होगा तो पैरालिसिस होगा। तो वो उस वक्त में न्यूरोलॉजिस्ट और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मिलकर के डिसाइड करते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल स्क्विंट है, और न्यूरोलॉजिकल स्क्विंट में तब हम लोग उसको CT स्कैन MRI करा करके रूल आउट करते हैं कि कहीं ब्रेन में कोई समस्या ना हो। इसके साथ स्टेरॉयड देते हैं, विटामिंस देते हैं और वो उसमें रिकूप करता है, ये न्यूरोलॉजिकल हुआ। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो स्क्विंट है वो न्यूरोलॉजिकल नहीं होती हैं, वो होता है तो उसमें हम लोग आते हैं, उसको हम लोग बच्चे आते हैं, हम लोग उसको जांच करते हैं। कभी कभी तो केवल अगर बच्चे आए स्क्विंट लेकर के तो हड़बड़ में ऑपरेशन की बात नहीं सोचनी है, उनको डायलेट करके रिफ्रैक्शन करना है। ये कभी कभी चश्मा का उचित नंबर देने के बाद वो भेंगापन कम हो जाता है। तो अगर चश्मा पहनाइएगा तो भेंगापन नहीं रहेगा, हटाइएगा तो भेंगापन होगा। उसको केवल मामूली ट्रीटमेंट है, उसको चश्मा दे दिया, उसको रिफ्रैक्शन से करेक्ट हो गया। वो कितने लोगों का रहता है कि टेढ़ापन रहा और दूसरे आँख में भी रोशनी रहा, तो एक बार में वो एक ही आँख इस्तेमाल करता है लेकिन आप दोनों आई में भी इस्तेमाल होता है। तो उसको अगर आप करिएगा अगर सर्जरी करके ठीक, तो वो सीधा अगर होगा तो कुछ दिन तक डिप्लोपिया होगा, दो दिखाई देगा क्योंकि वो एडजस्टेड नहीं है दोनों आँख का, लेकिन वो दो दिखाई देना एक अच्छा साइन है। और उसमें अगर ऑपरेशन कर भी दें तो हम लोग का स्क्विंट ठीक होने का चांसेस और उसमें स्टे करने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो जैसे हमने कहा, स्क्विंट डाइवर्जेंट हो सकता है या कन्वर्जेंट हो सकता है। अगर आंखें बाहर की तरफ फैली हों तो डाइवर्जेंट स्क्विंट कहा जाएगा, अगर आंखें अंदर की तरफ फैली हों तो कन्वर्जेंट स्क्विंट कहा जाएगा। तो स्क्विंट का जो, अगर न्यूरोलॉजिकल छोड़ दें बाकी जो स्क्विंट होते हैं, तो स्क्विंट का इलाज सर्जरी है। सर्जरी आजकल हम लोग सिंप्लीफाई हो गया है, सर्जरी में हम लोग मसल का काटते हैं, कितना मसल काटेंगे तो कितना हमारा स्क्विंट करेक्ट होगा, एक रफ असेसमेंट है लेकिन मोटा मोटी वो ठीक ही रहता है। तो स्क्विंट सर्जरी में आप करते हैं, लेकिन अगर दूसरे आंख में जिसमें आप करें, सपोज आपका दाहिने आँख फैला हुआ है, उसको कहेंगे राइट डाइवर्जेंट स्क्विंट। लेकिन उसमें अगर विजन अच्छा खासा है तो हम अगर ऑपरेट कर देंगे स्क्विंट सर्जरी, तो हमारा वहाँ पर वापस जो आँख आएगा तो सूर्य तो सीधा होगा तो डिप्लोपिया होगा, दो दिखाई देंगे लेकिन वो लंबे समय तक टिकेगा। लेकिन कभी कभी स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया, मतलब एम्ब्लायोपिया के कारण स्क्विंट होना, दूसरे आँख की रोशनी कम होती है, किसी कारण से कम हो सकती है, एम्ब्लायोपिया के कारण कम हो सकती है या किसी कारण से कम हो गई, तो चूंकि रोशनी कम हुई वो नहीं होल्ड कर सका तो वो फैल गया, तो उसको हम सीधा भी करेंगे तो 50 कुछ चांसेस हैं कि फिर से वो फैल जाए। तो वैसे लोग कॉस्मेटिकली अगर किसी शादी विवाह के पहले अपना कराते हैं ताकि कुछ दिन तक स्थिर रह जाए, तो स्क्विंट को वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन स्क्विंट की जो सर्जरी बहुत पॉपुलर नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे इसमें देखना होता है कि बच्चों में ज़्यादा होती है, तो बच्चों में जीए देके होना करना है, तो ये चीज़ें ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट पर, अगर स्क्विंट आपके बच्चों को है तो आप नेत्र चिकित्सक के पास ले जाएं। बहुत केस में मामूली चश्मा देने से वो करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं होने के बाद ऑपरेशन के डॉक्टर डिसाइड करेंगे, तो वो करेंगे कब करना है क्या करना है, ये डॉक्टरों को विवेक पर छोड़ दीजिए। स्क्विंट लाइलाज नहीं है, स्क्विंट कोई टैबू या स्टिग्मा नहीं है, स्क्विंट में इलाज सर्जरी बहुत अच्छा खासा इलाज संभव है। स्क्विंट अगर है तो नेत्र चिकित्सक से मिलकर के पूरा जांच करा ले, जांच के बाद जैसा डॉक्टर कहे वैसा आप करें। जी
उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।